केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट देश के लिए वरदान सिद्ध होगा। तोमर ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से मजबूत करना चाहते हैं उसे क्रियान्वित करने का कार्य यह बजट करेगा। करने वाला है कोविड की परिस्थितियों के बाद भी 45 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार का के द्वारा प्रस्तुत करना यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ा संकेत है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है पिछले बार के सुधारों के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आने वाले कल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस दिशा में भी इस बजट का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। इस बजट में चाहे डिफेंस हो, चाहे होम हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेल हो, सबको पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, देश में बुनियादी सुविधाएं बढ़े, देश में गरीब लोगों की ताकत बढ़े, महिलाओं की ताकत बढ़े, दलितों की आदिवासी की ताकत बढ़े, नौजवान के हाथ को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी बढ़े, इस दृष्टि से बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों को और पशुपालकों के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बजट की घोषणा है। रेल बजट 2,40,000 करोड़ का है। हमारे मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का उससे उन्नयन होने वाला है। ग्वालियर श्योपुर श्योपुर कोटा रेलवे लाइन उस बजट से बनने वाली है। आज ही उसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। और साथ ही साथ हमारा ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, मुरैना का रेलवे स्टेशन, श्योपुर का रेलवे स्टेशन, डबरा का रेलवे स्टेशन ये भी बनने वाले हैं। और विशेष रूप से ग्वालियर का रेलवे स्टेशन बने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया है और निश्चित रूप से ये काम जल्दी प्रारंभ होने वाला है। सबको पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, देश में बुनियादी सुविधाएं बढ़े, देश में गरीब लोगों की ताकत बढ़े, महिलाओं की ताकत बढ़े, दलितों की आदिवासी की ताकत बढ़े, नौजवान के हाथ को रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी बढ़े, इस दृष्टि से बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों को और पशुपालकों के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बजट की घोषणा है। रेल बजट 2,40,000 करोड़ का है। हमारे मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का उससे उन्नयन होने वाला है। ग्वालियर श्योपुर श्योपुर कोटा रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन